नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपके साथ स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हम रोज़ गोल्ड का अपडेट रेट आप लोगों के लिए लेके आते हैं और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं उसका भी स्ट्रेटजी लेके आते हैं और गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का डिसीजन लेने में सुविधा हो कि आपके लिए क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो देखिए, कल हम लोगों ने जो बात किया था तो कल जो था गोल्ड का प्राइस लगभग $210 के आसपास मार्केट में चल रहा था, यानी कल जो था यस्टरडे यहाँ से लगभग चालू हुआ था आपका और यहाँ तक पहुँचा था। पिक है 2010 के आसपास ये मार्केट में गया था। आज देखिए, आज चालू ही हुआ है आपका $2001 से, यानी मार्केट में कल वाले रेट से भी लो से भी चालू हुआ है, यानी प्राइस जो है अभी और भी मार्केट में धीरे धीरे करके ये गिरेगा। अब देखिए, ये अभी जो मार्केट प्रेजेंट मार्केट चल रहा है 1996 देखिए 1958 आ गया, तो ये लगातार चेंज हो रहा है और ये कम हुआ है, प्राइस काफ़ी कम हुआ है। जहाँ 2150 डॉलर के आसपास पहुंच चुका था, वहां से देखिए कितना आ गया, 193 पे आ गया। तो आज का जो रेंज है लगभग समझिए वो 192 से लेके 198, यानी 2000 भी मान लीजिए जा सकता है फिर भी, अगर यहां से अभी बहुत टाइम है मार्केट, अगर बायर अगर फिर से इस पे एक्टिव होते हैं, मगर फिर भी आप समझ के रखिए 2000 के रेंज से लेके मतलब $10 के बीच में है आज ये सारा चीज़ घूमेगा, यानी 1990 से लेके 2000 इसी के बीच में जो है मार्केट जो है रहेगा। और ये अच्छी खबर है कि लगातार मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, तो जो भी ज्वेलरी वाले होंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि प्राइस गिर रहा है तो वो अपना ख़रीदने का डिसीजन जो है वो ले सकते हैं और ख़रीद के अपना ज्वेलरी वगैरह बनाने का काम कर सकते हैं। और जिन्होंने मान लीजिए अभी लो रेट में ख़रीदा, वो चाहे तो हाई रेट होगा तो उसको भी बेच सकते हैं। दो तीन तरीका होता है, जो अपना अगर ज्वेलरी वाले हैं तो वो ज्वेलरी में कन्वर्ट करके इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो सेल्स वाले हैं, जो मान लीजिए कि ट्रेडिंग कर रहे हैं डेली, उनका क्या होता है कि वो भी ऐसे जो फिज़िकल नहीं ख़रीदते, वो ऑनलाइन उन्होंने ख़रीदा और डाटा के थ्रू और जो भी उनका MCX में अकाउंट हो, जहाँ भी हो, वो खुद का पर्सनल चीज़ होता है, और यहाँ से फिर उसको बेच दिया। तो उनके लिए भी देखिए, जो कल जिन्होंने ख़रीदा उनके लिए तो लॉस है, मगर अभी जो जिन्होंने इस पॉइंट पे ख़रीद लिया 1993, उनके लिए अभी भी $2-3 मतलब बनता है अगर आप ठीक से काम करें और एक दिन में लगे रहें ठीक तरह से निगाह बैठा के कि कहाँ पे अप हो सकता है, कहाँ पे डाउन हो सकता है, सिम्टम्स जो इसका बताता है, तो आपको आराम से $10, $15 या $20 छोटे से छोटे अमाउंट पर भी आपको मौका मिलेगा कमाने का। तो ये आपके खुद के ऊपर है कि आपका पूंजी कितना है। इसमें कम पूंजी वाले भी चाहे तो मान लीजिए जो आपका MMTC का है वहाँ से ख़रीद के थोड़ा फ़ायदा रहे तो बेच सकते हैं, कर सकते हैं, मगर उसमें उतना उनको मुनाफा नहीं दिखेगा क्योंकि टैक्स वगैरह ज़्यादा होगा। तो आप जो है थोड़ा अगर ये सिस्टम चालू करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। धीरे धीरे करके जैसा मार्केट बनता है आप कीजिए, ये नहीं कि आप अभी कीजिए, और पहले समझिए चीज़ों को, देखिए सारी चीज़ें, फिर उसके बाद फिर जैसा होगा आप अपना डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में काम करने का। हम लोग लाइसेंस बनाने से लेके सारी चीज़ों का काम करते हैं, अपडेट काम, जैसे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हो गया या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस हो गया, या फिर मान लीजिए आपको हॉलमार्क सेंटर खोलना है उसका लाइसेंस हो गया, या कैश एंड गोल्ड खरीदना है उसका लाइसेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डील करते हैं। अगर आप ऐसे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9230222490 पे। आपको वेट सिस्टम है, पहले पेमेंट कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए सारी जानकारी, कुछ चीज़ें बारीक ऐसी होती हैं जो आपको कितना भी ऐसे समझाए तो नहीं समझ में आएगा, जब तक मान लीजिए आप सीरियस ना हो, और सारे लोग सीरियस होते भी नहीं हैं। कुछ लोग सिर्फ अरे मिल गया नंबर देख के फ़ोन करके क्या होता है, अरे थोड़ा देखें क्या होता है, ऐसे थोड़ा देखें में तो हम लोग का सारा दिन ही टाइम चला जाता है थोड़ा देखें में, इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के लास्ट में इतना टाइम वेस्ट होने लगा कि मजबूरी में पेड सिस्टम लगाने पड़ा। क्योंकि मान लीजिए जब हम काम करते हैं पार्टी के साथ तो 2-5 लाख के एग्रीमेंट में काम करते हैं, तो ये 1500-2000 रुपये से कुछ नहीं होता, ये पैसा उस समय माइनस हो जाता है। मगर अनवांटेड जितने लोग हैं जो सिर्फ फ्री में घूम रहे हैं, बहुत तरीके के लोग होते हैं, तो इस पर समझाना मुश्किल है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, हमारी कंपनी तो हमेशा इसमें रहेगी और साथ में, डिसीजन आपका है, जैसा आप बोलिएगा वैसा किया जाएगा। धन्यवाद।